हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में कई ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए कई नारे लगाए हैं और यहाँ पर कई ऐसे आंदोलन चलाए हैं जिससे कि भारत की जनता स्वतंत्रता के लिए जागरूक हो सके। उन्हीं में से एक हैं एक महान फ्रीडम फाइटर शहीद भगत सिंह। इन्हें द यंग रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाना जाता है। इनका एक फेमस नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इन्होंने ही यह नारा दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने देश के लिए शहीद भी हो गए। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम भगत सिंह की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस तरीके से इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया, कौन कौन से स्ट्रगल्स और मूवमेंट थे जो इनके द्वारा चलाए गए थे और इनकी डेथ किस प्रकार हुई, किस प्रकार ये शहीद हुए अपने देश के लिए। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। भगत सिंह द यंग रिवॉल्यूशनरी नाम से ये फेमस थे। इन्हें टाइटल दिया गया था द यंग रिवॉल्यूशनरी का। अर्ली लाइफ ऑफ भगत सिंह, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 27 सितंबर 1907 में लायलपुर, वेस्टर्न पंजाब में। इनका जन्म वेस्टर्न पंजाब में हुआ था जो इस वक्त पाकिस्तानी, लेकिन उस समय ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भगत सिंह अटेंडेड दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल विच वॉज ऑपरेटेड बाय आर्य समाज। इन्होंने यहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी जिसे आर्य समाज द्वारा ऑपरेट किया जाता था। और इन्होंने नेशनल कॉलेज जो कि लाहौर में है उसमें यहाँ पर अपनी एजुकेशन पूरी की थी। हिज फैमिली मेंबर्स वर इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ही वाज ड्रॉन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जैसे कि इनके जो परिवार के लोग थे वो पहले से ही यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में इन्वॉल्व थे, इसीलिए ये बहुत कम उम्र में ही स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गए थे। इनके फादर और इनके जो अंकल थे अजीत सिंह वर एक्टिव इन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स टेकिंग पार्ट इन द एजिटेशंस अराउंड द कैनल कॉलोनाइजेशन बिल इन 1907। तो इनके जो फादर और इनके जो अंकल अजीत सिंह थे उन्होंने यहाँ पर जो कैनल कॉलोनाइजेशन बिल 1907 था उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। दूसरी बात, जो गदर मूवमेंट फॉर्म किया गया था 1914 से 1915 के बीच, वहाँ पर भी ये शामिल थे। तो क्योंकि इनका परिवार पहले से ही उसमें इन्वॉल्व था तो ये काफ़ी कम उम्र में ही उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। इन 1923 ही ज्वाइन द नेशनल कॉलेज इन लाहौर। 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज जो कि लाहौर में था उसको ज्वाइन किया था, फाउंडेड 2 years अर्लियर बाय लाला लाजपत राय, जिसे कि 2 साल पहले ही लाला लाजपत राय द्वारा फाउंड किया गया था। इन रिस्पॉन्स टू महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच अर्ज्ड इंडियन स्टूडेंट्स टू शन स्कूल्स एंड कॉलेज सब्सिडाइज बाय द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पर ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि यहाँ जो महात्मा गांधी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था उसके बाद इसे बनाया गया था ताकि जो हिंदू और इंडियंस हैं, नॉट हिंदू, जो इंडियन पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यहाँ शिक्षा दी जा सके स्कूल और कॉलेज में। क्योंकि यहाँ कई ऐसे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पर इंडियंस को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ये खास इंडियंस के लिए खोला गया था। भगत सिंह फॉरे इनटू द फ्रीडम मूवमेंट, किस तरीके से ये फ्रीडम मूवमेंट्स में और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, तो इस फैमिली रिलेशन विद द फ्रीडम स्ट्रगल प्रोपेल्ड भगत सिंह इनटू द एक्टिविटीज फ्रॉम अ यंग एज। इनिशियली ही सपोर्टेड महात्मा गांधी
non-cooperation movement. However, when Gandhi withdrew the movement in the wake of the Cheri Chora incident, Bhagat Singh turned to revolutionary nationalism. क्योंकि इनका परिवार फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत पहले के समय से ही इन्वॉल्व था, इसीलिए इन्होंने काफी कम उम्र में ही अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाया था. इन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन आगे चेरी चेरा इंसिडेंट के बाद यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी द्वारा विड्रॉ कर लिया गया था. तो उसके बाद यहाँ भगत सिंह ने एक रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के तौर पर यहाँ पर वो दिखाई दिए. भगत सिंह वॉज डीपली अफेक्टेड बाय जलियांवाला बाग मैसेकरी 1990 एंड द वायलेंस अगेंस्ट उनमर्ड अकाली प्रोटेस्टर्स एट ननखाना साहिब 1921. यहाँ पर 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसने सबसे ज्यादा भगत सिंह को अफेक्ट किया था. दूसरी बात, यहाँ पर जो हिंसा हुई थी अकाली प्रोटेस्टर्स ननखाना साहिब 1921 में, उस हिंसा ने भी यहाँ भगत सिंह को बहुत डीपली अफेक्ट किया था, जिस कारण से उन्होंने यहाँ पर कई नारे दिए और यहाँ उन्होंने बहुत से फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत की. क्योंकि यहाँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें कई लोगों की यहाँ मौत हुई थी और वो भी विदाउट एनी रीजन, तो इससे उन्हें काफी ज्यादा दुख हुआ था और उन्होंने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया था कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं. 1924 में कानपुर में ही बिकम मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये मेंबर बने थे. इन्होंने सच्चिंद्रनाथ सन्याल के साथ मिलकर यहाँ पर स्टार्ट किया था ये एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये मेंबर बने थे. द मेन ऑर्गेनाइजर ऑफ द एसोसिएशन वॉज चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह बिकम वेरी क्लोज फ्रेंड. यानी कि जो मेन ऑर्गेनाइजर थे इस एसोसिएशन के वो थे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह. ये काफी क्लोज थे एक दूसरे के. चंद्रशेखर आजाद का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी एक महान फ्रीडम फाइटर थे. 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा को फाउंड किया था. ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ लोगों को एनकरेज करता था कि वो रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करें. He made contact with the Workers and Peasants Party, which brought out the monthly magazine Kirtin Punjab. इन्होंने कुछ Workers और Peasants Party के साथ contact किया, जो कि monthly magazine purchase करते थे, Kirti नाम से पंजाबी में थी. For the next year, Bhagat Singh worked on the editorial board of Kirti. और उसी के अगले साल से जो Bhagat Singh थे, वो जो Kirti magazine निकलती थी, उसके editorial board में work करने लगे. In 1928, he established the Hindustan Socialist Republican Association along with Sukhdev Chandrashekhar Azad. 1928 में उन्होंने Hindustan Socialist Republican Association की स्थापना की थी सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और कई और लोगों के साथ मिलकर. Hindustan Socialist Republican Association collapsed किया चंद्रशेखर आजाद के बाद. चंद्रशेखर आजाद was shot dead in 1930. आगे भी मतलब ये चलता रहा एसोसिएशन, लेकिन 1930 में यहाँ चंद्रशेखर आजाद की डेथ हो गई. भगत सिंह रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, अब इनकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो हिज एसोसिएशन विद रिवॉल्यूशनरीज बिगिन विद हिंदुस्तान. यहाँ पर जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, वहां पर ये इसलिए फॉर्म किया गया था कि यहाँ पर सभी को एंकरेज कर सके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए. ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्म्ड रिवॉल्यूशन. और यहाँ पर इन्होंने कौन सी फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर जो बॉम्ब्स और आर्म्ड रिवॉल्यूशन की फिलॉसफी है उसको इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था. 1927 में ही वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ एसोसिएशन विद द काकोरी केस, एक्यूज्ड ऑफ एन आर्टिकल रिटन अंडर द स्यूडोनिम विद्रोही रबल. यहाँ पर 1927 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था. इन पर चार्ज था कि जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, काकोरी केस हुआ था, उसके बारे में इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ था, तो इसलिए इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, इन पर चार्जेस लगाए गए थे. ही वॉज ऑल्सो अक्यूज टू बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉम्ब एक्सप्लोजन एट लाहौर ड्यूरिंग द दशहरा फेयर. यहाँ पर इन पर एक और यहाँ पर आरोप लगाया गया था कि ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था लाहौर में दशहरा मेले के टाइम पर, तो उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये भी इन पर आरोप था.
द सॉन्डर्स केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यहाँ पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी था। इन 1928 लाला लाजपत राय डाइड ड्यू टू इंजुरी सस्टेन्ड ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन लाहौर। 1928 में यहाँ पर जो साइमन कमीशन लाहौर में आई थी उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो यहाँ पर उस वजह से लाला लाजपत राय काफी ज्यादा घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया था जेम्स स्कॉट द्वारा, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे जेम्स स्कॉट, और इनके द्वारा यहाँ लाठी चार्ज किया गया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को काफी ज्यादा चोट आई थी और उनकी मौत हो गई। भगत सिंह एंड हिज रिवॉल्यूशनरी फ्रेंड डिसाइडेड टू अवेंज द डेथ ऑफ द डियर लीडर। यहाँ पर भगत सिंह ने और उनके जो कुछ रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी दोस्त थे उन सभी ने मिलकर ये तय किया था कि यहाँ पर एक महान लीडर की मृत्यु हुई है और उसका यहाँ पर अवेंज जरूर लिया जाएगा। इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी दे असेंडेड अनादर पुलिस ऑफिशियल जेपी सॉन्डर। दिस वॉज नोन एज द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि यहाँ पर कुछ मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक अनादर पुलिस ऑफिशियल था जेपी सॉन्डर, उनको यहाँ पर ले लिया था एस, जो जिसने ये किया हुआ था उसकी जगह दूसरा सुपरिंटेंडेंट को उन्होंने ले लिया था। तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहलाया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट भगत सिंह फ्लाइड फ्रॉम लाहौर एंड मेड चेंज हिज अपीयरेंस टू अवॉइड अरेस्ट। इसके बाद यहाँ से वो लाहौर से चले गए थे इस इंसिडेंट के बाद, और उन्होंने अपनी असली पहचान को छुपाए रखा था ताकि वो अरेस्ट ना हो पाए। द मर्डर वॉज कंडेम्ड एज अ रेट्रोग्रेड एक्शन बाय महात्मा गांधी बट जवाहरलाल नेहरू लेटर रॉट। यानी कि यहाँ पर जब लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी तो यहाँ एक उन्होंने जेपी सॉन्डर जो है उनकी यहाँ डेथ हुई थी, इसको महात्मा गांधी ने तो एक रेट्रोग्रेड एक्शन बताया था, पर बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में लिखा था कि भगत सिंह डिड नॉट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज एक्ट ऑफ टेररिज्म बट बिकॉज ही सीम्ड टू विंडिकेट फॉर द मोमेंट द ऑनर ऑफ लाला लाजपत राय एंड थ्रो हिम ऑफ द नेशन। यानी उन्होंने क्या किया था कि जो दूसरे पुलिस ऑफिसर थे उनको यहाँ पर मार दिया था, महात्मा गांधी ने इसको एक रेट्रोग्रेड एक्शन तो बताया था, पर जवाहरलाल नेहरू ने आगे चल के इसके बारे में ये कहा था कि भगत सिंह सिर्फ टेररिज्म के वजह से ही यहाँ फेमस नहीं थे, बल्कि उन्होंने यहाँ पर उनके जो डियर लीडर थे लाला लाजपत राय उनके ऑनर में इस मूवमेंट को चलाया था। एंड ही बिकम अ सिंबल, द एक्ट वॉज फॉरगॉटन, द सिंबल रिमेंड। ये जो एक्ट है उसको तो लोग भूल गए थे लेकिन इसका जो साइन है उसे वो कभी नहीं भूल पाए थे। एंड विद इन अ फ्यू मंथ ईच टाउन एंड विलेज ऑफ पंजाब एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन द रेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया रिसाउंडेड विथ हिज नेम। यहाँ पर भगत सिंह के नाम को हमेशा लिया जाता था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिवेंज लिया कि भाई अगर उनके जो डियर लीडर थे लाला लाजपत राय उन्हें यहाँ मार दिया गया था तो उसी का उन्होंने यहाँ बदला लिया, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया ऐसा यहाँ जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, अब यहाँ सेंट्रल असेंबली बॉम्बे के बॉम्बिंग केस क्या था, तो ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली एट दिल्ली। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर सेंट्रल असेंबली जो कि दिल्ली में थी वहां पर बॉम्ब अटैक किया था फ्रॉम द विजिटर गैलरी। दे ऑल्सो थ्रू पैम्पलेट्स एंड रेस्ड प्रो रिवॉल्यूशनरी स्लोगन्स। बोथ द रिवॉल्यूशनरीज डिड नॉट resist arrest since they wanted to spread their message of revolution and anti-imperialism and wanted to use the trial as a platform for it. अब यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी थे वो अरेस्ट तब तक नहीं हुए जब तक उन्होंने बाकी क्रांतिकारियों तक अपना ये मैसेज स्प्रेड नहीं कर दिया था। They shouted slogan of इंकलाब जिंदाबाद during the whole arrest. बाद में जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तब भी उन्होंने यहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये नारा काफी ज्यादा फेमस हुआ आगे चलकर और स्वतंत्रता संग्राम में इस नारे का बहुत उपयोग किया गया। ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, तो उनको जब अरेस्ट किया गया तो उन्होंने यह इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। द स्लोगन बिकम क्वाइट पॉपुलर अमंग द यूथ एंड मेनी फ्रीडम फाइटर्स। ये नारा आगे चलकर बहुत फेमस हुआ। देयर वर नो कॉजलिटीज इन द इंसिडेंट एज इट वॉज नेवर देयर इंटेंशन टू कॉज फिजिकल हार्म टू एनीवन। देयर एम वॉज टू मेक द डीप हियर। यानी उनका उद्देश्य इस इंसिडेंट के द्वारा किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था,
लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो ब्रिटिशर्स या उनके मन में एक भय पैदा कर दिया जाए जिससे कि वो हमारे देश को स्वतंत्र छोड़ दें। भगत सिंह वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड द इंसिडेंट एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय ऑगस्ट वेलेंट, अ फ्रेंच एनार्चिस्ट हु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय फ्रांस फॉर अ सिमिलर इंसिडेंट इन पेरिस। भगत सिंह एक मास्टर माइंड थे इस पूरे इंसिडेंट के पीछे। सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, यहाँ पर एक बॉम्ब फेंका गया था सेंट्रल असेंबली में, तो भगत सिंह इस पूरे इंसिडेंट के पीछे मास्टर माइंड वही थे। ये इंस्पायर किससे थे? ये इंस्पायर थे ऑगस्ट वेलेंट से। ये एक फ्रेंच एनार्चिस्ट थे जो कि उन्होंने किस पे किया था, सिमिलर इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे पेरिस में, फ्रांस के द्वारा किया गया था पेरिस पर अटैक, तो यहाँ पर ऑगस्ट वेलेंट ने भी यही किया था। तो इसी से ये भगत सिंह इंस्पायर थे और उन्होंने यहाँ पर इसे फॉलो किया। इन द ट्रायल फॉर द इंसिडेंट बोथ सिंह एंड दत्त वर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इस इंसिडेंट के बाद, यानी कि इस इंसिडेंट के बाद ही यहाँ पर जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे उन्हें यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया था और यहाँ जेल में डाल दिया गया था पूरी लाइफ के लिए। फॉर दिस टाइम भगत सिंह वॉज ऑल्सो लिंक्ड टू द जेपी सोंडर मर्डर इंसिडेंट। अब इसलिए भी उन्हें डाल दिया गया था क्योंकि यहाँ जो भगत सिंह थे वो जेपी सोंडर, जो उनका मर्डर हुआ था जब लाल लाजपत राय की मृत्यु का बदला इन्होंने लिया था उनसे, तो यहाँ वो इससे भी रिलेट करते थे। ही अलॉन्ग विद राजगुरु एंड सुखदेव वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ सोंडर। इनके साथ ही जो राजगुरु और सुखदेव थे उन पर भी जेपी सोंडर की मर्डर का यहाँ पर चार्ज लगाया गया था और उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था। द ट्रायल एंड डेथ ऑफ भगत सिंह। अब यहाँ किस तरीके से भगत सिंह की मृत्यु हुई, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था ये सेंट्रल असेंबली केस के बाद। द ट्रायल स्टार्टेड इन जुलाई 1929 वॉज पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर। यानी कि यहाँ जुलाई 1929 में यहाँ न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था कि द यंग रिवॉल्यूशनरी स्टार्टेड अ हंगर स्ट्राइक इन लाहौर प्रिजन डिमांडिंग बेटर कंडीशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर हु वर ऑल्सो ट्रीटेड एज क्रिमिनल। अब यहाँ पर जो यंग रिवॉल्यूशनरी थे भगत सिंह, उन्होंने फिर से जेल के अंदर भी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी लाहौर जेल में। वो ये डिमांड कर रहे थे कि जो प्रिजनर्स हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छे से ट्रीट करा जाना चाहिए और उनके लिए भी यहाँ बेटर कंडीशन होनी चाहिए। देयर वर मेट बाय मेनी लीडर्स इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू व्हाइल दे फास्टेड फॉर 116 डेज व्हिच ओनली एंडेड आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट फ्रॉम फैमिली एंड कांग्रेस लीडर। सेम यहाँ पर जो कई नेता थे उनको भी यहाँ रखा गया था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू 116 दिन तक ये जेल में रहे थे, बाद में ये फैमिली और कांग्रेस लीडर्स के द्वारा इन्हें रिक्वेस्ट पर छोड़ दिया गया था। बट द ट्रायल वॉज अ वन साइडेड अफेयर एंड भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु आर सेंटेंस टू डेथ। मतलब ये जो ट्रायल था ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड था, एक तरफा था ये। इनका सपोर्ट किसी के भी द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया और यहाँ पर इन्हें मृत्यु दंड की यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। द वर्डिक्ट वॉज मेड विद लार्ज क्रिटिसिज्म एंड मेनी नेशनल लीडर्स रिक्वेस्टेड टू रिड्यूस द सेंटेंस बट इन वेन। कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ पर ये मांग करी थी, नेशनल लीडर्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि इनका जो मतलब ये मृत्यु दंड दिया गया उसको कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, यानी कि उम्र कैद कर दी जाए, लेकिन इन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाए। द थ्री वर ऑर्डर टू बी हैंग्ड ऑन 24th March 1931 बट द सेंटेंस वॉज कैरिड आउट अ डे अर्लियर एट द लाहौर जेल। आफ्टर द हैंगिंग देयर मॉर्टल रिमेन्स वर क्रिमेटेड इन सीक्रेट। यानी कि इनको यहाँ पर फांसी देने के लिए कहा गया था, ऑर्डर किया गया था कि इन्हें यहाँ फांसी दी जाएगी, इन तीनों को, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, यहाँ 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी जाएगी ऐसा ऑर्डर दिया गया था। लेकिन जस्ट एक दिन पहले ही लाहौर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी बिना किसी को बताए और इनके जो मॉडल्स थे उन्हें एक सीक्रेट प्लेस पर रखा गया था। द एग्जीक्यूशन वॉज रिपोर्टेड वाइडली बाय द प्रेस स्पेशली एज दे टुक प्लेस ऑन द ईव ऑफ द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन कराची। गांधी फेस्ड ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन बाय एंग्री यूथ हु शाउटेड डाउन विद गांधी। अब यहाँ पर क्योंकि गांधी जी ने इन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, गांधी जी और बाकी लीडर्स ने सिर्फ ये प्रेयर की थी कि यहाँ पर इनकी जो सजा है उसे कम कर दिया जाए, तो इसके विरोध में कई यूथ जो थे, जो यंगस्टर्स थे, उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने यहाँ गांधी जी को, जो कांग्रेस पार्टी का कराची सेशन हुआ था वहाँ पर
गांधी जी को ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन को फेस करना पड़ा। जो यूथ थे उन्होंने यहाँ पर डाउन विद गांधी का नारा लगाया था, क्योंकि यहाँ पर भगत सिंह की मृत्यु हुई, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जबकि उन्होंने यहाँ सच्चाई का ही साथ दिया था और वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेगेसी ऑफ भगत सिंह। एवरी मार्च 23 इज ऑब्जर्व्ड एज मैटर्स डे एज अ ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह। यानी कि यहाँ हर साल 23 मार्च को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ उनको हैंग करने के ऑर्डर 24 मार्च के दिए गए थे, पर जस्ट एक दिन पहले 23 मार्च को उन्हें हैंग कर दिया गया था, तो इसीलिए हर साल 23 मार्च को यहाँ पर शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए। सुखदेव थापर और श्रीवरम राजगुरु, इन तीनों को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। द डे इज ऑल्सो नोन एज शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस। इसे मार्टर्स डे, मेरिटर्स डे, शहीद दिवस या फिर सर्वोदय दिन के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द सेंटिनरी ऑफ हिज बर्थ अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल सेट्स अप एन इंस्टीट्यूशन नेम्ड भगत सिंह संस्थान टू कॉमेमोरेट हिम एंड हिज आइडियल्स। कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने भगत सिंह संस्थान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो उनके आइडियल्स को फॉलो करते हैं। He was an atheist and ardent reader. His book Why I Am an Atheist is quite popular. ये एक atheist थे, एक ardent reader थे और एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनकी जो किताब थी Why I Am an Atheist, ये बहुत ही ज़्यादा famous थी, काफ़ी ज़्यादा popular थी। Few of his famous quotes were, इनके द्वारा लिखे गए कुछ famous quotes कौन कौन से हैं? They may kill me, but they cannot kill my ideas. उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो लोग हमें मार सकते हैं पर हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। They can crush my body, but they will not be able to crush my spirit. वो हमारे शरीर को मार सकते हैं पर हमारी आत्मा को नहीं। Bombs and pistols do not make a revolution. The sword of revolution is sharpened on the writing stones of ideas. इनकी तरह ये कहा गया था कि किसी भी क्रांति को बॉम्ब या पिस्टल्स के द्वारा नहीं लाया जा सकता। क्रांति की तलवार तो तभी हो सकती है जब हम हमारे जो विचार हैं पत्थर के समान हैं। मेदा सन इन हिज स्कॉर्ड्स विजिट नो लैंड फेयर हैप्पियर मोर लवली देन हिज ओन कंट्री बट मेयर फेथ एंड ब्लाइंड फेथ इज डेंजरस इट डल्स द ब्रेन एंड मेक्स अ मैन रिएक्शनरी। विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही इंसान को खा जाता है। Revolution is an inalienable right of mankind. Freedom is an imperishable birthright of all and labor is the real sustainer of society. इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश को यहाँ पर स्वतंत्रता मिले ब्रिटिश साम्राज्य से। The youth of India still get inspiration in his life, a young revolutionary with fire in his blood and calm in his heart. ये एक यंग रिवॉल्यूशनरी थे जो इंडिया की यूथ है, आज भी इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है। इन्हें द यंग रिवॉल्यूशनरी के नाम से जाना जाता था, जिनके खून में आग और दिन में लोगों के लिए बहुत ही नम्रता थी। तो ये एक बहुत ही अच्छे महान फ्रीडम फाइटर थे जो कि अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और ऐसे ही महान फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को हम सभी सैल्यूट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।